लिखी हो यार, तुम्हें तो एबीसीडी सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सर तो मुझसे कह रहे थे कि शायद ही तुमने 3-4 जमातें पास की हो। उन्हें क्या पता, कभी मुझसे पूछा है उन्होंने? कौन है तुम, मेरी सेक्रेटरी या कुछ और? इतनी तमीज है तुम्हें कि किसी का फोन उठाने से पहले उसकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है? अगर जिस बैकग्राउंड को तुम बिलोंग करती हो वहां पर टिकट तो दिखाई नहीं गए होंगे। चाहिल गवार अनपढ़ लड़की, उनके दिल में तुम्हें कभी थी ही नहीं। आज अपने कमरे से बाहर निकाला है, कल इस घर से बाहर निकालेंगे, परसों अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंक देंगे, और फिर आप और नाहिद आंटी देखते रहना। कीमा बना देगा यार। कैसे समझाऊं इन दोनों औरतों को? क्या हो गया तुम्हें? इतनी बड़ी हो गई, अभी तक बच्चों की तरह बादल की गरज और चमक से क्यों डरती हो? चलो उठो, उठो, मुझे आराम से सोने दो, अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं जा रही अपने कमरे में, पूरी रात इसी डर के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। सोने देना, क्या मसला है आपको? अरे मेरा बच्चा, बारिश से नहीं डरते तो अल्लाह की रहमत होती है। रहमत नहीं होती है, गुस्सा होता है लामिया का। तौबा करो, इस तरह की बातें कर रही हो, और मेरे साथ लेटने के बजाय ना जाओ जाके वजू करो और नफर पढ़ो। उठो यहाँ से, इतनी रात हो रही है, इतनी रात को कौन नफल पढ़ता है? लड़की भी ना, चल छुप जा, छुप जा मेरा का मां, शकील का बच्चा। या अल्लाह खैर, मेरे मालिक, ये बारिश थम जाए। मेरी तो बहुत डरती है इस बादल की गरज और चमक से। पता नहीं मेरी बच्ची इस वक्त क्या कर रही होगी, इतनी तूफानी बारिश और मेरी बच्ची मुझसे दूर। कैसे मेरे साथ आके लिपट के सो जाया करती थी, अब तो उसे बहुत डर लग रहा है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अब तो वो आपके कमरे में, वो
बुआ बुआ ये सब कुछ क्या हो रहा है? बुआ जैसा मैंने सोचा था, जो मैंने प्लान किया था, सब कुछ उल्टा हो रहा है। आपको पता है अभी अजहर की कॉल आई थी मेरे पास। वो क्या कह रहा था मुझसे? वो कह रहा था कि जवेरिया वापस आ रही है और जब वो आ जाएगी तो वो उससे शादी करेगा। बुआ मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई है, मैं क्या करूँ? अल्लाह खैर करे, इस लड़की पे तो बहुत जुल्म हो रहा है। जब से वो यहाँ आई है अजहर मियाँ ने, तो बस मैं क्या आपको बताऊँ, सारे वक्त उनके ताने डांट डपट वही सब सह रही है। लेकिन बहुत हौसले वाली लड़की है वो, अजहर मियाँ ने बहुत तंग कर रखा है, बहुत ज्यादती करते हैं उसके साथ। बेगम साहिबा मेरी बात सुने, आप वापस लौट आए। मुझे तो आपका और साहब का ज़माना याद आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये वक्त का पहिया उल्टा चलने वाला है। आप वो घर वापस आ जाइए। बुआ मैं आपके सुपुर्द करके आई थी, आपके भरोसे पे आई थी मैं यहाँ। मैं कुछ नहीं कर सकती, अजहर मियाँ को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। एक तो इस लड़की को मैंने कितना समझाया था कि अजहर को अपने काबू में कर लेना, अगर ये लड़की भी बहुत बेवकूफ। बेगम साहिबा अजहर मियाँ जवेरिया के अलावा किसी के नहीं हो सकते, ये बात मेरू भी अच्छी तरह जान गई है। बहू बेगम, बुआ बुआ लाला ये क्या हुआ? हेलो अल्लाह, मेहरू को कुछ हो गया तो मैं शकीला को क्या जवाब दूंगी? हेलो मैं यहाँ हूँ, मैं तो जाग रही थी। बुआ मुझे बादलों के गरजने से और बिजलियों के चमकने से बहुत डर लगता है। तो मेरा बच्चा डरने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपके कमरे में आपके पास हूँ, आप खुद को संभालें और आराम से सो जाएं। आप एक काम करें ना, आप इधर बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। नहीं मेरी जान, आप अपने बेड पर सो, मैं ठीक हूँ वहाँ पे। अरे बुआ सोफे पर आप इजी नहीं होंगी ना? नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बस आराम से सो जाओ। एक बात तो बताए। हाँ बेटा पूछो। असर की शादी जवेरिया से क्यों नहीं हुई? असर बेटा आप उनकी किस्मत में लिखी हुई थी। किस्मत में लिखी हुई थी या फिर जबरदस्ती लिखवा दी गई थी? वक्त गुजरने के साथ साथ इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, परेशान ना मेरा बच्चा। कुछ ठीक नहीं होगा बुआ, कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे माफ कर दे, मैं आपको जुटला नहीं रही हूँ, आपको सच्चाई बता रही हूँ। जब अजहर मेरी आंखों में देखते हैं ना तो मुझे सिर्फ जवेरिया नजर आती है, उनकी आंखों में जवेरिया के लिए जो प्यार है ना वहां मेरी कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा ना को बेटा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, वरना आज मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। मेहरू याद आ रही है ना मम्मी? हाँ बेटा बहुत दिनों से उसकी बहुत याद आ रही है, काफ़ी परेशान हूँ उसकी वजह से, बहुत बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं और कल तो मौसम भी बहुत ख़राब था। जेबी तुम तो जानती हो ना कि उसे बादलों की गरज और बिजली की चमक से कितना डर लगता था। अम्मी अपने मियाँ के साथ अपनी आइडियल लाइफ जिता रहे, आप ऐसे ही बैठे। आमीन अल्लाह करे, लेकिन नहीं भाई मैं तो जुम्मे तक जरूर जाऊंगी उसकी तरह। तुम्हारे तो अपने मसले ही नहीं खत्म होते, कभी मियाँ का मूड ऑफ है और कभी सास को। जी वैसे मेरी सास यानी कि आपकी आपा साहिबा
उनका बड़ा इसरार है कि उन्हें मेहरू के घर जाना। कल खलील से भी कह रही थी कि वो भी साथ चले। इसलिए इनकी जो दिलचस्पी है ना वहाँ जाने में, जिस पे शक हो रहा है। अरे ना बेटा ना, हर बात पे शक नहीं करते। हो सकता है कि आपा का ये दिल चाह रहा हो कि वो मेहरू का महलनुमा घर देखें और ये देखें कि वो वहाँ पे खुश भी है या नहीं। हाँ, वैसे उन्हें मेरी बातें बहुत बुरी लगी होंगी। बड़ों के लिए इस तरह नहीं बोलते बेटा, बुरी बात होती है। क्या मतलब ऐसे नहीं बोलते, मतलब बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आपको पता है खलील ने बस अब एक लफ्ज भी। जब भी मैं घर की कोई बात करती हूँ ना, आप मुझे टोक देती हैं। अभी मेरा भी दुख सुन लिया कर। अरे तू तो मेरी अपनी औलाद है, मेरी जान का टुकड़ा है, तुम्हारे दुख तो मैं समझती हूँ बेटा, मगर माओ को समझाना चाहिए औलाद को। अगर माएं अपनी बेटियों की जरा जरा सी बातें सुनने लगे ना, तो उनका बसना मुहाल हो जाता है। वो अपने ससुराल में और अपनी माँ के घर दोनों में जलील होके रह जाती है। आप भी ना कोई अनोखी माँ, बाकी सब माएं तो अपने बच्चों का साथ देती हैं। और फिर उतनी ही जल्दी उनकी बेटियाँ मायके आके बैठ जाती हैं। हम ये काम करते हैं, हम ना मेहरू के घर चलते हैं और हम उसे बताएंगे भी नहीं। कितनी सरप्राइज हो जाएगी ना वो। लो एक और नया हुक्म। अम्मी बस आप नहीं बताएंगे उसे कि हम आ रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ उसकी शक्ल जब आप उसके सामने आएंगे एकदम से ना, कैसे चीख मार के आपके गले लग जाएगी। अम्मी ओ आपा, आ गए आप लोग। पागल बहन मेरी। अरे नानी को भी कुछ खिला दे, क्या अकेली कचर कचर खाती है। इधर ले क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ले भाई। ओह इसमें है ही कुछ नहीं। Good afternoon. Hi. Good afternoon. तुम रात भर सोई नहीं? बुआ ने बताया मुझे, कॉल कर लेती मैं आ जाती। बुआ ने तुम्हें एनीवेज तुम्हें आज शाम सर के साथ पार्टी में जाना है। चलो मैं तुम्हें तैयार करूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। मेहरू ऐसी जिंदगी नहीं कटेगी। और वैसे भी नहीं कटनी। अगर ये सब खत्म हो जाना है ना तो हो जाए। मैं भी इन रोज रोज के ड्रामों से तंग आ गई हूँ। सर ने कहा है कि तुम्हें लाजमी जाना है। क्यों जाना है? आखिर मेरा जाना इतना लाजम क्यों है? और वैसे भी जो रिश्ता लोग मेरा समझते हैं कि उनके साथ है, उस रिश्ते से तो कभी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर क्यों बिला वजह दूसरों की आंखों में धूल झोंकूं मैं? मैं तंग आ गई हूँ ड्रामेबाजियों से। तो चली जाओ, अभी चली जाओ अपने घर और जाके सारे जमाने को बता दो कि हमने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, उल्लू बनाया तुम्हें। सर आप क्या कह रहे हैं? मैडम आर्यस ने मेरा हुक्म नहीं माना और अगर ये चाहे तो यहाँ से जा सकती है, क्योंकि इस बात को ये भी अच्छे तरीके से जानती है कि मुझे इस किस्म की औरतें सख्त ज़हर लगती हैं। तो मेरा हुक्म ना माना। सो यू बेटर लीव राइट नाउ। जाओ। सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आप मुझे जॉब पर देखना चाहते हैं तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। यूं इस तरह से आप बार बार उसको जलील नहीं कर सकते। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे सामने किसी औरत को इस तरह से जलील करें। आप जॉब करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं आपकी मर्जी, बट यू आउट राइट नाउ। अपनी दुश्मन खुद होती है। मैं तुम्हें बदतमीज नहीं बनाना चाहती, लेकिन तुम्हें अपना हक मांगने के लिए बहुत मजबूत होना होगा।
यूं रोध होके सिंपैथी गेन करके भीख मांगी जाती है अपना हक नहीं, अपना हक आंखों में आंखें डाल के मांगा जाता है। दलीलों के साथ स्ट्रांग होना होगा तुम्हें। और सुनो, कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं पता, पार्लर जा रही हूँ। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? दिलावर भाई को हाँ कह दूँ? पागल हो गए हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ, ये चीज नामुमकिन है और आइंदा मुझसे बात दोबारा मत करना। रुको, अगर तुमने दिलावर भाई की बात ना मानी तो आज के बाद घर से अपने रिस्क पे निकलना। कितने बेगैरत हो तुम, मतलब क्या है तुम्हारा? धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी मैं नहीं, दिलावर भाई दे रहे कि अगर तुमने उनकी बात ना मानी तो वो तुम्हारा मेरा सबका लिहाज खत्म कर देंगे। अभी मंगनी कर लो, शादी कुछ अरसे बात कर लेना। लेकिन मैं तुम्हें आखिरी दफा समझा रहा हूँ, अगर तुमने बात ना मानी तो आज के बाद सारे ताल्लुक रिश्ते खत्म समझो। समझ आ रही है? क्या हुआ? तुम परेशान हो गई हो हमारा अचानक आने का सुनकर। बेटा अगर कोई मसला है तो? नहीं, मसला तो कोई नहीं है। मैं परेशान भी नहीं हूँ, बस वो आपने अचानक आने की खबर सुना दी ना, इसीलिए शॉक्ड हो गई। और तुम्हारी यही हालत जे भी देखना चाहती थी। तुम्हें शॉक्ड हालत में देखकर शायद उसे खुशी होती। उससे बोल रही थी कि मैं सरप्राइज दूँ। भाई मैंने तो तुम्हें साफ साफ बता दिया कि हम आना चाहते हैं, तुम्हें तो खलील की आदत का पता है, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा सुनो बेटा, अजहर से कहना कि जरा अच्छे से बात कर ले खलील के साथ, जरा बेतकल्लुफी से, क्योंकि तुम तो जानती हो कि खलील ये समझता है कि जो अजहर है ना वो नखरा करता है। हालांकि मैं तो जानती हूँ कि नखरा और वो अजहर करेगा। खैर छोड़ो, दरअसल मुझे तो यूं लगता है कि जैसे खलील अपने आप को अजहर से कमतर समझता है। चलिए अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, पर ना। क्या मगर? देखो बेटा, अगर अजहर का और तुम्हारा कहीं और जाने का प्रोग्राम है ना, तुम उसे खराब ना करो। हमारा क्या है, हम तो फिर भी किसी रोज आ जाएंगे। अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, जाना तो कहीं नहीं है। अच्छा हुआ ना आपने बता दिया, अब वो टाइम मिल गया अरेंजमेंट्स करने का। चलो फिर ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर कल तुमसे मुलाकात होगी और बैठ के बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा। वो बेगम क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? क्या बात है? तुमने मुझे सिर्फ अपनी अम्मी का बताया था, तो बाकी हरे घरे क्यों आया मेरे घर? जी वो अम्मी के साथ आए हैं। तो फिर अपनी अम्मी से कहना था ना कि पूरे मोहल्ले को साथ लेके आ जाए। होटल है मेरा घर, उसका खाना बढ़ रहा है। देखो मरे मुझे घर आना, एक घंटा दे रहा हूँ, सबको जल्दी से रुखसत करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे सजूर भाईजान से मिलने का कोई शौक। सलाम खाला, किधर की तैयारी है? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बगैर बेल बजाए मेरे घर के अंदर दाखिल हो जाओ। इजाजत गैरों को देते हैं, अपनों को नहीं।
समझे? कौन से अपने? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तुम जैसे गुंडे मवाली और भत्ता लेने वाले से शादी नहीं करूंगी।